चलो चल सबके दिले जा, सबके दिले जा आगे चलिए। आगे बोल वीडियो बना ले। ठीक बात संजीत भैया, हट जाए निकल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत में। मैं आपको बता दूं कि जैसे दिसंबर और जनवरी का मंथ आता है, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और जिनके पास कंबल और ये सब नहीं रहता, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गरीब असहाय लोगों का। इसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर राजकुमारी HP गैस के संचालक भिरगुन जी प्रसाद जी और उनके पुत्र रवि जी और संजीत जी। इनके द्वारा ठंड को देखते हुए, बढ़ते ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया है गरीब और असहाय लोगों के बीच। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से ये कतार में कितने लोग खड़े हुए हैं। जितने लोग खड़े हुए हैं इनको कंबल बांटा गया है ताकि ठंड से राहत मिले लोगों को और ठंड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो किसी भी गरीब और असहाय लोगों के। और राजकुमारी HP गैस के मालिक हमारे साथ मौजूद है भिरगुन जी प्रसाद जी और उनके दोनों पुत्र रवि जी और संजीत जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि और ये लोग क्या क्या करते हैं राजकुमारी HP गैस के तरफ से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सब ठंडे में गरीबों के लिए कंबल के वितरण किया जा रहा है ठंडे के मौसम में। ये हर साल आप करते हैं? हाँ, बराबर करते हैं, हम हर साल करते हैं गरीबों के लिए। सुनने में आया कि काफी आप पूरे प्रखंड में ये मुहिम चलाए हुए हैं कि ठंड के जितने मतलब ठंड का जो सामग्री है, जितने लोगों को जरूरत है, उन सबको हर वार्ड में भेजा। हाँ, सब वार्ड में सब गरीबों के लिए कमल ठंडे का मौसम है, सब गरीबों के लिए सेवा किया जाता है, बराबर हर साल किया जाता है। कल कहाँ आप भेजवाए थे कम्बल? कल भी वितरण हुआ था कम्बल? कम्बल वितरण होवे करता है, ठंडा बहुत वितरण होता है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है तो वितरण किया जाता है। क्या मैसेज देंगे आज? मैसेज देंगे कि भाई खुशी के माहौल है गरीबों के लिए, बहुत खुशी है कि ठंडे के टाइम में कम्बल बट रहा है। हाँ, नगर पंचायत में अच्छा खुशी की बात है और गरीबों के लिए वितरण हो रहा है, होगा। मंथ में काफी ठंड पड़ता है। हाँ, ठंडा पड़ता है, इसलिए अगर शीतलहर आ गई और गरीबों को जरूरत पड़ा तो आप ऐसे सहायता? हाँ, बराबर सहायता हम करते हैं गरीबों के लिए, ठंडा करते रहेंगे। हमारे साथ संजीत जी भी मौजूद हैं। ये जो कंबल वितरण हुआ इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका पीछे का मेन उद्देश्य यह है लोगों को ठंड से बचने के लिए राहत दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाता रहेगा। हम लोगों से यही करेंगे कि ठंड में बचने के लिए अगर किसी को असहाय को कुछ जरूरत हो तो आके हमसे करने के तैयार हैं। क्या मैसेज देंगे आज गरीबों के लिए? हम गरीबों के लिए मैसेज यही देना चाहते हैं कि ठंड को देखते हुए आप लोग ठंड को बढ़िया से रहें, यही है मैसेज देना चाहते। अगर जरूरत पड़े तो आगे भी मदद, जरूरत पड़े तो हम आगे भी मदद करने के तैयार। हाँ, ऐसे भी हम वितरण करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आज कंबल पाकर? बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी है, मिला है सब गरीब को। हर साल ये मिलता है आप लोगों को? अभी तो शुरुआत हुआ है। क्या नाम हुआ? दो मिनट हर साल? हर साल बांटेलन। अच्छा, थोड़ चाहे ढेर, हर साल बांटेलन। हर साल लोगों को मदद? हाँ, मदद छठ में सब चीज में देलन, नरियर फल मूल सारा लोग के देलन। भिरगुन जी मदद मिलता है, गरीबों को मदद देलन। ये मदद कौन देते हैं आप लोगों को? भिरगुन जी। अच्छा, उनके तरफ से मिलता है? हाँ, उनका तरफ से मिलता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नाजमा खातून। अच्छा, ठंड जब आता है तो इनके द्वारा कंबल बांटा जाता है आप लोगों के बीच में? हाँ, सब बांटा। और इस बार भी बांटा गया? हाँ, हाँ। और क्या क्या बांटते हैं ये? फल मूल सब बांटा ला, हर फेस्टिवल में बांटते हैं। हाँ, सब। क्या नाम हुआ आपका? नसीमा। जैसे ठंड आयल बा और ठंड कंबल मिलता है और हुआ के हमेशा मदद मिलेला? हाँ, हमेशा मदद मिलेला। ये मदद के देला? भिरगुन जी प्रसाद। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? उषा देवी। उषा देवी। और भी
हमारे साथ लोग मौजूद हैं इधर भी, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज ठंड को देखते हुए कंबल मिला है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लगा है। ये हर साल मिलता है आपको? किनके द्वारा मिलता है? अब तो हम लोग भीरगुन के, भीरगुन जी प्रसाद जी देते हैं आपको। अच्छा, जैसे जरूरत पड़ता है तो फिर वो मदद पहुंचाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रमावती। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, भीरगुन जी प्रसाद की तरफ से कम्बल बांटा गया आपको, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफी मदद मिली। हाँ, ठंडा का दिन बा, मदद मिलल बा, कमती बा, हमके अच्छा लग रहा है सब पच के। हर साल मिलेला? हर साल मिलेला। का नाम पड़ी राउर? हमार शारदा देवी। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, रवि भी ऐसे ले लिया ऊपर। ठंड के मौसम को देखते हुए आपके द्वारा और आपके पिताजी जो मालिक हैं एचपी गैस के, उनके द्वारा कंबल बांटा गया है, इस मौके पे क्या कहेंगे आप? इस मौके पे यही कहेंगे कि सबसे बड़ा आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी चैनल को आकर देखें। चलिए भाई, कंबल का वितरण कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम हर साल ठंडे के दिन में कंबल बांटते हैं। हम 2014 से जो भी हमसे होता है गरीबों के लिए हम वो काम करते हैं। हमको इस काम करने में खुशी मिलती है। अगर ठंड के मौसम चल रहा है काफ़ी, अगर ठंड बढ़ गई है, गरीबों को अगर सहायता के लिए और जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आप तैयार हैं? गरीबों की सहायता के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। इसके बाद आपको अगले महीने होगा जनवरी, उसमें वितरण होगा कंबल का। सुनने में आया है कि आप पूरे प्रखंड में कंबल का वितरण कर? हाँ, यहाँ पे वितरण किए हैं पूरे। हाँ, अपने एजेंसी की तरफ से हम हर साल वितरण करते हैं, अभी फिर किए हैं। इस मौके पे आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए जो गरीब असहाय को सताते भी हैं और गरीब असहाय को मदद नहीं पहुंचाते हैं उतना? उन लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम हम लोग, मतलब हम लोग जैसे काज करते हैं, हम लोग का देखा देखे वो भी अपना काज करे, अच्छे काम करे, ताकि लोग आगे बढ़ें। क्या मैसेज देंगे आज हसनपुरा प्रखंड वासी? हसनपुरा प्रखंड वासी को यही मैसेज देंगे कि ठंड का मौसम है, ठंड से बच के रहे। तो ये थे राजकुमारी एचपी गैस के मालिक भीरगुन जी प्रसाद जी और उनके पुत्र संजीत जी और रवि जी। आप देखते रहे हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जय हिंद।